बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। टुडे वी डिस्कस अबाउट द बायोकेमिस्ट्री ऑफ मसल्स। मसल्स जो हैं वो क्या करते हैं, मसल्स का फंक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन क्या है मसल्स का, कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ मसल्स। 25% ऑफ द बॉडी वेट इज़ मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल्स कौन सी हैं, टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द स्केलेटल मसल, सेकेंड इज़ द कार्डियक मसल एंड द थर्ड वन इज़ द स्मूथ मसल्स। नाउ दे आर व्हाट इज स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड क्या होते हैं, स्ट्राइटेड आर दी अलाइंड इन अ पैरेलल बंडल्स या स्ट्रिप्ड अरेंजमेंट, अलाइंड इन अ पैरेलल अरेंजमेंट स्ट्रिप्ड। And skeletal muscles are the striated muscles. Non-striated are the cardiac and smooth muscles. They are devoid of arrays or bundles. इनमें जो है वो arrays और bundles नहीं होते। They are involuntary. And skeletal muscles are voluntary. स्ट्राइटेड मसल जो हैं वो क्या करते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर सेल्स होते हैं जिनमें जो है इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। स्ट्राइटेड मसल जो हैं वो क्या होते हैं, दे आर एक्साइटेबल, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल मीन्स दे हैव दी एक्शन पोटेंशियल। और ये जो है इनके अंदर इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो एक्साइटेबल एक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, डैट इज़ कॉल्ड दी सार्कोलीमा। इंडिविजुअल मसल फाइबर जो है, एक इंडिविजुअल मसल फाइबर जो है वो क्या है, उसमें जो है सेल एक्सटेंड होता है टू द एंटायर लेंथ ऑफ द मसल फाइबर, दैट इज़ द सेल दैट इज़ अलोंग एक्सटेंड अलोंग द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर। बंडल ऑफ मैनी फिब्रिल्स मायोफिब्रिल्स अरेंज इन पैरेलल एम्बेडेड इन द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। मायोफिब्रिल्स होते हैं जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसके अंदर मायोफिब्रिल्स होते हैं। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं हम, सार्कोप्लाज्म। दे हैव दी सार्कोलीमा एंड सार्कोप्लाज्म, दे आर स्ट्राइएटेड, दीज आर दी स्केलेटल मसल्स, दे आर वॉलंटरी कंट्रोल, दे हैव दी एक्साइटेबल एक्शन पोटेंशियल, सो दे हैव दी इट इज़ सार्कोलीमा एंड द इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड इज दी सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म कंटेन ग्लाइकोजन, एटीपी, फॉस्फोक्रिएटिन, एंड ग्लाइकोलिटिक इंजाइम्स। ग्लाइकोलिटिक इंजाइम्स आर द इंजाइम्स दैट कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज सार्कोमियर क्या होती है, फंक्शनल यूनिट जो है वो सार्कोमियर होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, दैट इज़ द रीजन बिटवीन द टू जेड लाइंस, दो जेड लाइंस के दरमियान जो रीजन होता है उसको जो है हम सार्कोमियर कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है मसल का, एक मसल फाइबर है ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले दैट इज़ द एच बैंड, देन इज़ द जेड लाइन, दैट इज़ जेड लाइन, जेड लाइन के बीच में जो है वो क्या है, ए बैंड एंड
आई बैंड, दैट इज़ द ए बैंड एंड आई बैंड के दरमियान में जो एम्बेडेड होती है जेड लाइन, दैट इज़ द जेड लाइन। ये आई बैंड है और ये जेड लाइन है, ये एच जोन है, दैट इज़ द जेड लाइन। ठीक है, दो जेड लाइन जो हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो सार्कोमेयर होता है। अब मायोफिब्रिल जो हैं उनमें डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। ये मायोफिब्रिल है, ये स्ट्रक्चर है किसका, वॉलंटरी मसल्स का, मतलब कि स्केलेटल मसल का। ठीक है, तो इसमें जो है वो मायोफिब्रिल जो है उसमें डार्क और मायोफिब्रिल दैट कंटेन लाइट एंड डार्क बैंड। लाइट इज आई बैंड और डार्क इज दी ए बैंड। अब ए बैंड जो है वो लाइटर रीजन है इन दी सेंटर। ए बैंड कंटेन लाइटर रीजन इन दी सेंटर, लाइटर रीजन जो है उसका सेंटर में जो है दैट इज दी एच बैंड, एच बैंड है। और आई बैंड जो है वो आई बैंड के दरमियान में एक डार्क लाइन होती है, डेंस लाइन कह लें, डेंस लाइन, उसको जो है हम क्या कहते हैं, जेड लाइन कहते हैं। अब थिक फिलामेंट जो है वो क्या होता है और थिन फिलामेंट क्या होता है। थिक फिलामेंट इज़ दी मायोसिन, मायोसिन जो है वो अरेंज होता है इन क्रॉस सेक्शन अरेंजमेंट, क्रॉस सेक्शन अरेंजमेंट में होता है मायोसिन। ठीक है, दैट इज 16 नैनोमीटर इन डायामीटर। और जो थिन फिलामेंट होता है, थिन फिलामेंट जो है वो एक्टिन होता है, ट्रोपोमायोसिन होता है एंड ट्रोपोनिन होता है। ये दोनों मायोफिब्रिल्स के फिलामेंट्स हैं, थिक और थिन फिलामेंट, दैट इज़ दी 7 नैनोमीटर इन डायामीटर। उसके बाद जो है दैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज़ दी स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। उसमें क्या है कि जो एक्शन पोटेंशियल है कैसे मूव करता है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में, और जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, सबसे पहले जो है हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आता है। ठीक है, इसमें जो है ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके दैट इज़ द स्ट्रक्चर, दैट इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट कंटेन कैल्शियम आयंस। That is the action potential, ये है action potential है। When action potential neurotransmitters released, ये neurotransmitter इन receptors के साथ bind करते हैं, that is the synaptic transmission। सैनैप्टिक ट्रांसमिशन में क्या होता है कि नर्व इम्पल्सिस आती हैं जब, तो क्या होता है कि ट्रांसमिशन में न्यूरो रिसेप्टर्स रिलीज होते हैं इन दी सैनैप्टिक लेफ्ट। तो ये जो है मसल फाइबर सेल्स हैं, मसल फाइबर सेल्स के ये रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे आके न्यूरो ट्रांसमीटर्स, तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट होगा। तो ये मसल फाइबर है हमारे पास,
ये जो है सार्कोलीमा है, दैट इज़ दी सार्कोलीमा, दैट इज़ दी टी ट्यूब्यूल्स, जिनको हम जो है वो ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। दैट इज़ दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज़ दी एक्टिन एंड मायोसिन। ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, दैट इज़ एक्टिन। अब क्या होता है कि सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल आता है व्हेन द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इनटू द सिनेप्टिक लेफ्ट एंड देन बाइंड विद द रिसेप्टर्स। तो क्या होता है कि आगे जो है स्टिमुलस जाता है, दैट स्टिमुलस फ्रॉम द टी ट्यूब्यूल्स एंटर इनटू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये एंटर होगा, ये स्टिमुलस जाएगा, तो क्या होगा, देयर इज द रिलीज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम रिलीज होगा, जब कैल्शियम रिलीज होगा दैट कॉज द कॉन्ट्रैक्शन। When the release of calcium in the sarcoplasm, it causes the release of calcium ion and calcium causes the contraction. अब contraction क्या है, procedure क्या है, contraction का mechanism function क्या है, कि सबसे पहले जो हमारे पास myosin है, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो ये है हमारे पास ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन है, ठीक है, एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर जो है ये ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है, दैट इज़ दी ट्रोपोमायोसिन, दैट इज़ दी कवरिंग ऑन एक्टिन, एक्टिन पे ये कवरिंग है, लाइक कवरिंग। उसके ऊपर जो है ये ट्रोपोनिन्स है, ये कवरिंग है, ये कवरिंग जो है वो एक्टिन मायोसिन के साथ एक्टिन को बाइंड नहीं होने देती। When the action potential reach when the calcium ion release, then क्या होता है कि ये covering जो है ये expose off हो जाती है, covering tear grab हो जाती है, muscle जो है वो ready to contract हो जाएंगे। जैसे ही calcium release होगा, action potential show होगा, तो that troponins are exposed to the myosin, वो जो है वो bind हो जाएंगे, ये बाइंड हो गया, मसल्स रेडी टू कॉन्ट्रैक्ट, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर ग्रैब होगा, मायोसिन हेड जो है फ्रॉम दी क्रॉस ब्रिजेज, मायोसिन हेड जो है वो क्रॉस ब्रिजेज से ग्रैब होंगे। ये मायोसिन हेड है, ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसके ऊपर दोबारा से जो है वो ट्रोपोमायोसिन आके बाइंड हो जाएगी। ट्रोपोमायोसिन, इसको हम पावर स्ट्रोक कहेंगे, पुल पावर स्ट्रोक। पुल पावर स्ट्रोक में जो है वो अभी ये बाइंड हुआ है, बाइंड होने के बाद जो है वो पुल पावर स्ट्रोक होगा, कि मतलब ऊपर से ग्रैब हो जाएगी, ऊपर से अलहदा हो जाएगी, अलहदा होगी इस तरह, इस डायरेक्शन में, मतलब कि खींची जाएगी ऊपर से, तो वो जो है वो अलहदा हो जाएगी। एक्टिन जो है, एक्टिन जब अलहदा होगी तो वो रिलीज़ हो जाएगी, एक्टिन रिलीज़, उसको हम क्या कहेंगे, रिलीज़, एक्टिन रिलीज़, दैट इज़ द ग्रैब, दैट इज़ द पुल पावर स्ट्रोक। That is the relaxation. That is contraction and that is the relaxation. Contraction, relaxation. जितना calcium ion जब release होगा that leads to the action potential. Action potential जो है जब action potential जब होगा that leads to the increase in release of calcium. जब calcium release होगा that causes the contraction. Then is the sliding filament model में जो है वो क्रॉस ब्रिज मॉडल भी कहते हैं इसको, जिसमें जो है वो एक्टिन मायोसिन होते हैं, तो इनका जो है वो स्लाइडिंग कैसे होती है, एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्टेड, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती कैसे है, कि एक्सटेंडेड में क्या होता है, सबसे पहले जो है वो अरेंजमेंट फिलामेंट की स्ट्राइटेड मसल्स में होती कैसे, ये एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड फॉर्म है ये, इसमें क्या है, ये ठीक है, ये क्या है, आई बैंड, ये ए बैंड है, उसके बाद ये एच बैंड है, ठीक है, और ये जो है ये जेड लाइन है, दैट इज़ दी जेड लाइन, ये एक्सटेंशन में। जब कॉन्ट्रैक्शन होती है
तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, इनमें जो डिस्टेंस कम हो जाएगा। सिर्फ जो है फिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, सिर्फ जो डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन है, दो जेड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। जब जो है वो एक्शन ये प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले जब जो है वो पावर स्ट्रोक होता है, तो ये होता है इन दी एक्सपेंस ऑफ एटीपी। जब रिलैक्सेशन फेज होता है, तो वो जब एक्टिन जो है वो मायोसिन से अलहदा होता है, दैट अगर इन दी प्रेजेंस ऑफ एटीपी। एटीपी जो है वो क्या करती है, वो इसको ग्रैबिंग करती है इसकी। सबसे पहला अब चार फेजेज आती हैं, मेजर बायोकेमिकल इवेंट जो ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आ रहे हैं, उनमें चार पॉइंट्स हैं, मतलब चार स्टेप्स हैं। फर्स्ट फेज इज द फेजेज हैं रिलैक्सेशन फेज, रिलैक्सेशन फेज है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन फेज है, उसके बाद जो है वो प्रमोट द रिलीज ऑफ फॉस्फेटाइन, उसके बाद जो है वो है पावर स्ट्रोक कह लें इसको, जब एटीपी जो है वो यूज़ होती है। उसके बाद जो है अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बाइंड विद द एसआई पेयर, उसके बाद एक्टिन जो है वो रिलीज हो जाएगा, एक्टिन रिलीज। फर्स्ट स्टेप इज़ द रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन में जो है वो क्या करती है, मसल रिलैक्सेशन फेज जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, इसमें क्या होता है कि एसआई मायोसिन का जो एसआई हेड होता है वो एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है टू एडीपी एंड फॉस्फेटाइन, और ये प्रोडक्ट जो है ना वो साथ बाइंड रहती है रिलैक्सेशन फेज में। वो जो रिजल्टेंट एडीपी और फॉस्फेटाइन मायोसिन कम्प्लेक्स बनता है ना, वो एनर्जाइज होता है, और उसको हाई एनर्जी कन्फर्मेशन कहते हैं। कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं तो उसको हम हाई एनर्जी कन्फर्मेशन कहते हैं रिलैक्सेशन फेज में। रिलैक्सेशन फेज में जब जो है वो वो अलहदा होते हैं एक्टिन और मायोसिन, तो क्या होता है कि एटीपी हाइड्रोलाइज होती है, वो कन्वर्ट होती है एडीपी में। एटीपी जो है रिलैक्सेशन फेज में क्या होता है, एटीपी जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू एडीपी प्लस फॉस्फेट आयन। ये जो है कम्प्लेक्स बनाता है विद दी, ये कम्प्लेक्स बनाता है मायोसिन के साथ, ठीक है, मायोसिन के साथ ये कम्प्लेक्स बनाता है और ये हाईली एनर्जाइज होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की, जब कैल्शियम इन्वॉल्व होता है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायसिन और एक्टिन वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, तो ये क्या होता है कि एसआई हेड्स हैं दैट आर बिकम अवेलेबल टू मायोसिन, मायोसिन को अवेलेबल हो जाते हैं, वो बाइंड करते हैं, और जो एडीपी फॉस्फेट कम्प्लेक्स जो है वो एक्टिन मायोसिन एडीपी फॉस्फेट कम्प्लेक्स बन जाता है, एक्टिन मायोसिन एडीपी कम्प्लेक्स बन जाते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो उसके बाद क्या होता है, ये कम्प्लेक्स जो है ये क्या करता है, दैट कॉज द रिलीज ऑफ फॉस्फेट आयन, जो इनिशिएट करता है पावर स्ट्रोक को, दैट इनिशिएट द पावर स्ट्रोक। मायोसिन जो है वो अब लो एनर्जी स्टेट में चला जाता है और ये सिर्फ एक्टिन मायोसिन रह जाता है। पावर स्ट्रोक जब होता है तो सिर्फ एक्टिन मायोसिन रह जाता है। एक और मॉलिक्यूल एटीपी का वो बाइंड करता है एसआई हेड के साथ और एक्टिन मायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स बना देता है। एक अदर मॉलिक्यूल जो है वो इनके साथ बाइंड करके एटीपी एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब मायोसिन एटीपी जो है उसकी लो एफिनिटी हो जाती है जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है, तो जो मायोसिन है, मायोसिन हैज़ लो एफिनिटी फॉर एक्टिन, ठीक है। जब एटीपी मायोसिन के साथ बाइंड कर जाती है, मायोसिन एटीपी जो है उसकी लो एफिनिटी हो जाती है फॉर एक्टिन। जब एक्टिन के लिए लो एफिनिटी होती है, एक्टिन रिलीज हो जाता है, दैट इज़ द एक्टिन रिलीज। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। पहला क्या है, डिस्चार्ज ऑफ मोटर न्यूरॉन, डिस्चार्ज मोटर न्यूरॉन।
पहला पॉइंट ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जिस जिस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, उसके बाद जो है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, मोटर न्यूरॉन डिस्चार्ज हुआ मतलब एक्शन पोटेंशियल आया सिनेप्टिक ट्रांसमिशन से, तो क्या हुआ डिस्चार्ज ऑफ मोटर न्यूरॉन्स मतलब कि मूवमेंट शो करनी है, तो रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर्स। थर्ड पॉइंट इज रिलीज होगी न्यूरोट्रांसमीटर की, उसके बाद क्या होगा बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलीन, एसिटाइलकोलीन या न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलीन विद दी एसिटाइलकोलीन निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर्स न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसके बाद जो है मोटर एंड प्लेट पे, मोटर एंड प्लेट न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए, देन एसिटाइलकोलीन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर देन बाइंड विद द एसिटाइलकोलीन निकोटीन रिसेप्टर्स, उसके बाद क्या होगा इंक्रीज सोडियम पोटाशियम कंडक्टेंस इन द एंड प्लेट, सोडियम पोटाशियम कंडक्टेंस होगी, जब सोडियम पोटाशियम कंडक्टेंस होती है दैट कॉज द डीपोलराइजेशन। सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, ठीक है, तो ये कंडक्टेंस जो है वो क्या करेगी डीपोलराइजेशन करेगी, एंड दिस डीपोलराइजेशन जो है वो क्या करेगी स्प्रेड होगा इस डीपोलराइजेशन का इनटू द ट्यूब्यूल्स, दैट इज़ द टी ट्यूब्यूल्स ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, सही है। इंक्रीज इन सोडियम पोटेशियम कंडक्टेंस दैट कॉज द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो मूव करता है, या एक्शन पोटेंशियल मूव करता है, या कह लें कि इनवर्ड स्प्रेड है कंडक्टेंस का या डीपोलराइजेशन का टुवर्ड दी टी ट्यूब्यूल। उसके बाद जब उससे क्या होगा जब टी ट्यूब्यूल्स में एक्शन पोटेंशियल जाएगा या इनवर्ड डीपोलराइजेशन होगी तो क्या होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द टर्मिनल सिस्टर्नी ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डिफ्यूजन टू द थिक एंड थिन फिलामेंट, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम आयन रिलीज होंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और डिफ्यूज हो जाएंगे एंड डिफ्यूज इनटू थिक एंड थिन फिलामेंट। उसके बाद क्या होगा कैल्शियम की बाइंडिंग होगी टू द ट्रोपोनिन सी, कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड होगा, उससे क्या होगा कि अनकवरिंग हो जाएगी मायोसिन की बाइंडिंग साइट की, अनकवरिंग कहाँ होगी मायोसिन की बाइंडिंग साइट की जो है वो अनकवरिंग हो जाएगी, और उससे क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस, यहाँ जो है ये अनकवरिंग हो रही है, ठीक है, मायोसिन ट्रोपोमायोसिन अलहदा हो गया और उससे क्या हुआ है कि क्रॉस ब्रिजेस बन गए बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है, ऑफ स्लाइटिंग थिक और थिन फिलामेंट प्रोड्यूसिंग द शॉर्टनिंग, शॉर्टनिंग मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, बाइंड कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन सी के साथ और वो क्या कर देगा अनकवर कर देगा किसको मायोसिन को, बाइंडिंग साइट्स ऑफ एक्टिन, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑफ एक्टिन को अनकवर कर देगा। उसके बाद क्या होगा कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड कर गया तो उसके बाद क्रॉस ब्रिजेस बनेंगे, दैट आर दी क्रॉस ब्रिजेस, जब वो बाइंड कर जाएगा तो ये बाइंड कर गया दैट फॉर्म दी क्रॉस ब्रिजेस और यहाँ पे जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, ठीक है। अब रिलैक्सेशन का क्या है, रिलैक्सेशन में जो है वो रिलैक्सेशन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कैल्शियम पम्प्ड बैक इनटू द सार्को, कैल्शियम जो है जब उसको एक्शन पोटेंशियल नहीं मिल रहा तो वो पम्प्ड बैक हो जाएगा इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर क्या होगा रिलीज कैल्शियम फ्रॉम ट्रोपोनिन, थर्ड स्टेप पे क्या होगा
सीजेशन ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन की जो एक्टिन मायोसिन की जो बाइंडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब एक्टिन मायोसिन अलहदा अलहदा हो जाएंगे, दैट कॉज द रिलैक्सेशन। यहाँ पे एटीपी यूज़ होगी तो ये जो है अलहदा अलहदा हो जाएंगे, दैट कॉज द रिलैक्सेशन। कैल्शियम प्ले अ मेजर रोल इन द कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम जो है वो रेगुलेशन करती है एक्टिन बेस्ड और मायोसिन बेस्ड, जो है इसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है क्योंकि कैल्शियम ही जो है वो क्या करती है, वो रिलीज़ होती है फ्रॉम सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या करती है, एक्शन पोटेंशियल शो करती है, वो एक्टिन और मायोसिन को जो है वो एक्टिवेट करती है।